आ जाओ फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे खत्म किया गया था। मैंने आपको क्या बताया अभी, इस ट्रेन कोई डिफाइन कर रहा था कि इस ट्रेन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, अब यहां से टाइप्स ऑफ इस ट्रेन में निकलेगा। इस ट्रेन इज इक्वल टू डेल डायमेंशन, यहाँ पे डी का मतलब डायमेंशन समझना, डायमीटर नहीं, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यही होता है इस ट्रेन। अब यहां से अलग अलग टाइप की, तीन टाइप की इस ट्रेन निकलती है, कौन कौन सा किसी को आइडिया है क्या? बिल्कुल, लॉन्गिट्यूडिनल इस ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इरेल स्ट्रेन आपने पढ़ा था उसमें फिजिक्स में, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आ जाएगी। और बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक स्ट्रेन और बच रही है, देखें कौन बनाता है। क्यों, उसको बोलते हैं सीयर स्ट्रेन, सुने हो कभी सीयर स्ट्रेन? और सिमिलरली तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, किसी को पता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ध्यान से सुनना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस इसको बोलते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद होता है सीयर स्ट्रेस, कंफर्म? अब जो इलास्टिसिटी ई निकलती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कंफर्म? इलास्टिसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से, और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? तो यहां से तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप की स्ट्रेन के कॉम्बिनेशन से तीन टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगी, कंफर्म? अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टाइप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, बताओ। कोई रिप्लाई करे, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? क्यों, बिल्कुल सही है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको या आप रिप्रेजेंट करते हो या तो वाई से या फिर ई से, कंफर्म? वाई आर ई इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कंफर्म? अब एक चीज आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब होता है टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस, कंफर्म? तो सिग्मा डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ, क्यों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में चेंज किसमें होगा, लेंथ में ही होगा, क्यों? डेल एल अपॉन एल, यही होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? कोई स्टूडेंट बताए इसकी यूनिट क्या होगी? ये यूनिट लेस होगा, कौन बोल रहा है? गलत है, सबका जवाब गलत है, गलत है। और बताओ, न्यूटन पर मीटर, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको और किस नाम से बुला सकते हैं? पास्कल, ठीक है। बट मटेरियल की जो इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है, 10^4 टू 10^6 के नियर अबाउट तक होती है। तो अब बताओ, ये यूनिट जो है स्मॉल यूनिट है, अब इसे लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी लिखते हैं, किसमें? क्यों, इस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को मैं कम से कम 200 बार कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बताया हूं कि इसे बोलते हैं मेगा पास्कल,
मेगा पास्कल, ये इसकी लार्ज यूनिट है। ठीक है, आपने डिस्कस किया फर्स्ट टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट पे आपके चलते हैं, नेक्स्ट पे है बताओ सेकंड क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताओ? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप बी से रिप्रेजेंट करो या फिर के से। ठीक है, अभी रुको 2 मिनट, जरा रुको मैं पेन सही करता हूँ पेन से। फिर राइटिंग पैड पे सही लिखना नहीं रहा इसलिए। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंफर्म? अब देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था वो क्या होगा? नॉर्मल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? नॉर्मल मीन्स क्लियर, परपेंडिकुलर टू कंसिडर्ड प्लेन आर सरफेस, जिस सरफेस या प्लेन को आप कंसिडर कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर लगने वाले स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। कंफर्म? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये जो है इसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। अब ये बताइए कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, या वन डायमेंशनल है, कैसी प्रॉपर्टी है? कौन बताएगा? अगर थोड़ा सा भी आप इसे ध्यान से सुने होगे तो आप बता दोगे। चेंज इन वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? 2D है, 3D है, या 1D है? 3D है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टी है जो चेंज इन वॉल्यूम एक्सटर्नल फोर्स के कारण रेजिस्ट करती है, यही होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई समस्या किसी को? नहीं है। अब एक चीज आप उसमें और पढ़े होगे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा क्या होता है, इनवर्स। कंप्रेसिबिलिटी। कंफर्म? कौन स्टूडेंट बोला है, क्या नाम है? तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करोगे, बीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जिस बॉडी में जितना ज्यादा चेंज होगा उसको हम उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल नेचर की बॉडी बोलेंगे। ठीक है, यूनिट बताओ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, यूनिट बताओ क्या होगी इसकी यूनिट? सेम यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैं पूछूं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। कंफर्म? ये है, आ जाओ। नेक्स्ट इलास्टिसिटी क्या है? नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्यों सुने हो? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किससे रिप्रेजेंट करते हो आप इसे? जी आर एन, जी से रिप्रेजेंट करो या कैपिटल एन से? ठीक है, जी आर एन इक्वल टू होगा शियर स्ट्रेस,
शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हो टाउ से, और शियर स्ट्रेन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो फाई से, टाउ अपान फाई। ये क्या होता है? रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यूनिट क्या होगी? सेम। अब जरा सा मैं आपको इसमें एक कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ये है कि आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी ऐसे है, ध्यान देना मेरी बात को, ये आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, इसका ये बेस फिक्स है, कंफर्म बेस फिक्स है। आप इस पे अगर कोई टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब सीयर स्ट्रेस, इसकी अपर सरफेस पर आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हो, अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो ये कितना अच्छे से आपको समझ में आता है, मैं खुद नहीं एक्सप्लेन करता। ठीक है, देखो यहाँ पे आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हो, वो है मान लो टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, वो एफ टी है, एफ टी है, और इसका जो रेजिस्टिंग एरिया है ये है ना, ये बॉडी ऐसे 3D में कुछ थी, फिक्स्ड बॉडी है, नीचे से इसको हमने फिक्स किया है किसी बेस पर, तो एफ टी टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय टेंजेंशियल एरिया, तो यहां से जो मिलता है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या सीयर स्ट्रेस, कंफर्म टेंजेंशियल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस, ये हो गया। और दूसरी चीज आपको पता है कि जब आप इस पे फोर्स लगाओगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, तो ये बॉडी डिफॉर्म होने की कंडीशन में आएगी, इसका मतलब ये ब्लॉक जो है कुछ ऐसे डिफॉर्म होगा, है ना, क्यों होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ये बॉडी का जो कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर शिफ्ट हो गया ए डैश, यहाँ हो गया बी कॉर्नर जो था वो शिफ्ट हो गया बी डैश, तो यहाँ पे एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है? एंगुलर डिफॉर्मेशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाई, इसी को बोलते हैं सीयर स्ट्रेंस। और इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो हो गया डेल वाई, और इसकी बॉडी की हाइट कितनी थी? एच थी, तो इसको आप बोलोगे सीयर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू डिफॉर्म एंगल, एंगल ये है एंगुलर डिफॉर्मेशन, आपको पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड बाई ये, है ना, यही होगा अप्रोक्स। तो यहां से आप लिखोगे डेल वाई डिवाइड बाई हाइट एच, ये हो गया सीयर स्ट्रेस। सीयर स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेन दोनों का रेशियो करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा सीयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कंफर्म। तो ये तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने आपको आज बताया, कभी भूलना मत, ये सोम में यूज होगा, एफएम में यूज होगा, स्ट्रक्चर में ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज होगा, सब में यूज होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया है फोर्स, देखो मैकेनिक्स जो है बिल्कुल फोर्स से ही रिलेटेड है सारी चीजें, देखो सब में स्ट्रेस फोर्स स्ट्रेस फोर्स स्ट्रेस फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। फोर्स के डिफिनेशन मैंने बताया, इसको लिख लेना किसी भी बुक से, फोर्स के डिफिनेशन हो गया है, फोर्स के पैरामीटर या रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेशन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब मुझे जो नेक्स्ट बताना है एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, ध्यान से सुनना क्या है, क्यों तुम लोग लिखते भी हो कि बस मैं जो बताता हूँ वही चलता रहता है? एक काम करना आज तुम लोग, क्योंकि मैं जो चीजें सारी चीजें मैं तुम्हें पैड पे नहीं बता सकता हूँ, राइटिंग पैड पे सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, मेरे माइंड में जो चीज आएगी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब एक्सप्लेन करते जाऊंगा, बट ये नहीं है कि मैं तुम्हें सारी चीजें लिखवा दूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो भी ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में तो हो सकता है। ठीक है, तो जो अगला है प्रिंसिपल है वो है ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, लिखो ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ये कहता है कि यदि किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है, सुन लो पहले ध्यान से, यदि किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के डायरेक्शन में लाइन की किसी भी पॉइंट पर ये फोर्स लगा हुआ माना जा सकता है, कंफर्म।
अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन में लाइन को किसी भी पॉइंट पे उस फोर्स को लगा हुआ माना जा सकता है। यही कहता है ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि फोर्स अगर यहां पे लग रहा है, ये रिजिड बॉडी की कंडीशन है, तो ये फोर्स इसी लाइन पर, इस पॉइंट पर भी लगा हुआ माना जा सकता है। कंफर्म है? इस पॉइंट पर भी लगा हुआ माना जाता है, इस पॉइंट पर भी लगा हुआ माना जाता है। फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? यही है ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल। ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल डिफाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ दैट फोर्स इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। अगर मान लो ये रिजिड बॉडी नहीं है तो क्या होगा? तब ये प्रिंसिपल 100% अप्लीकेबल नहीं है। पहली चीज, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है ये रिजिड बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, और ये प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी फोर्स एफ अगर बॉडी पर लग रहा है तो ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर लगा हुआ माना जा सकता है। क्लियर है? अब इसका यूज में बता दूं क्या होता है। यूज जानना चाहोगे या फिर रहने दे? देखिए, जब आप किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर फोर्स मोमेंट जानते हो क्या? टार्क हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये पढ़ते थे ना। तो ये मान लो कोई बॉडी है और ये इसकी रोटेशनल एक्सिस एक्स एक्स है। कंफर्म? इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया था, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया, ये एफ फोर्स है। तो आप पढ़ते थे क्या? टार्क टाउ। ध्यान देना, ये स्ट्रेस शियर स्ट्रेस टाउ नहीं है। टार्क टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड फोर्स। ये फोर्स है, ये क्या है? फोर्स है। फोर्स और ये रोटेशनल एक्सिस है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वही क्या कहलाएगी? टॉर्क। क्लियर है? क्यों रिप्लाई करो सभी? तो एफ इंटू, ठीक है अभी फिर से बताता हूं, पहले कंप्लीट होने दो। हिंदी में जो टॉर्क होता है आघूर्ण होता है, किसी भी फोर्स का आघूर्ण। फोर्स यानी बल गुणे बल और रोटेशनल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, यही होता है एफ इंटू डी। यही पढ़े हो तुम लोग टार्क। तो यहां पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये एफ है, ये बताओ रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस डी है, लेकिन लेकिन ये फोर्स जो है क्या ये एक्स इसके पर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो इसका दो कंपोनेंट लोगे आप, एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट ये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये एफ है, एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मान लो मिल गया एफ वी पार्टिकल, ठीक है, एफ वी इंटू डी करोगे इस कंडीशन में तो आपको टॉर्क मिलेगा। ये मैंने आपको इसलिए, अब ध्यान देना जरा बात को, ध्यान देना, अगर कोई फोर्स दूर से यहां से लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आप ऐसे इनक्रीज करते हो, इसके सीजी से पास करेगा, तब आप डिस्टेंस मेजर करते हो, मतलब इस पूरी लाइन पे ये फोर्स लगा हुआ माना जाता है। यही ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है। फोर्स उस बॉडी पर डायरेक्टली लगे या ना लगे, ध्यान देना मेरी बात को। टाइप ऑफ फोर्स, कई टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे मैं वो आप सुने होंगे कि जैसे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल में क्या कोई डायरेक्ट फोर्स लगता नहीं है, है ना? तो उसमें लाइन ऑफ एक्शन तो होती है, कंफर्म है, लेकिन डायरेक्ट फोर्स नहीं है। तो उस केस में लाइन ऑफ एक्शन उसकी डिटरमाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। ये सब चीजें खैर बहुत हायर लेवल की, बहुत हायर लेवल की, तुम लोग से मतलब समझ लो कि इससे कोई मतलब ही नहीं है, पर जानते रहो, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आपका पहला चैप्टर है वो फोर्स एंड फोर्स सिस्टम है। इंट्रोडक्शन देखो खत्म हो गया, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन में फिजिक्स की जो लोग बुक लिए होंगे उन्हें पता होगा कि फिजिक्स का चैप्टर दिया हुआ वेक्टर क्या होता है ना?
ये दिया है, फिर दो वेक्टर का एडिशन दिया है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन दिया है, फिर मल्टीप्लिकेशन दिया, डॉट प्रोडक्ट दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है ना, ये सब चीजें दी हैं। तो इन सब चीजों को आपको ज्यादा मतलब नहीं है, ये सब आप इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़े हो वहां से कवर कर लेना इंट्रोडक्शन चैप्टर से। बाकी जो मेजर चीज है वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? तो परेशान ना होना, जो चीज नहीं आएगी दोबारा मुझसे पूछ लेना, बट कंफर्म रहे। अब देखो, आज मुझे जो पढ़ाना है वो फोर्स की डिफिनेशन क्लियर हो गई है, मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, अब मुझे बताना है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अच्छा बताओ, बेसिकली सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? वो तो हिंदी है, उसकी मतलब क्या होता है सिस्टम का? रिप्लाई करो, सिस्टम। अच्छा ये बताओ, सिस्टम प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, तो मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स होगा। इसका मतलब जब कई फोर्स कंबाइंड फॉर्मेट में किसी बॉडी पर लग रहे हो, तो उस बॉडी और फोर्स को हम सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टम। अगर जब इसे मैकेनिकल इंजीनियर डील करता है तो इसको बोलता है मैकेनिकल सिस्टम। क्या? मैकेनिकल सिस्टम। सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड बॉडी, यही होता है सिस्टम। अब मुझे बताना है कि लगने वाले फोर्स की लाइन एक्शन ऑफ लाइन क्या है? लाइन एक्शन के अलावा जो है वो बॉडी सिंगल प्लेन में लग रही है या थ्री डायमेंशनल प्लेन में लग रही है या फिर लिनियर नेचर की है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ फोर्स आप डिफाइन करोगे। क्लियर है? अच्छा सा, सबसे बढ़िया, सिंपल और इजी है कि सिस्टम ऑफ फोर्स को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, बताओ? वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, क्लियर? वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। अब इसके बाद होता है टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, 2D सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, क्लियर है सबको? ये चीज मैंने आपको बताई। अब जरा बताओ कि वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? अभी मुझे इसको और भी डिटेल में डिस्कस करना है, ये चैप्टर में आप एंट्री कर चुके हो, आप इसका एग्जाम्पल। जितने भी लगने वाले सिस्टम ऑफ फोर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। देखो एक फोर्स, अगर मेरे पास कोई बॉडी ये है, ये क्या है? कोई बॉडी है, ठीक है? इस बॉडी पर एक फोर्स F1 ये लग रहा है, क्लियर है? और दूसरा फोर्स मैं F2 इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रहा हूं, ये F2 है, और इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। अब तीसरा फोर्स, ध्यान दो, तीसरा फोर्स मैंने ये लगाया है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन क्या है? पैरेलल है ना। मतलब बोल सकते हैं कि तीनों फोर्स जो लग रहे, इन तीनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, और इसी को हम बोलेंगे लीनियर फोर्स सिस्टम। कोई समस्या? इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं, फोर्स तो लीनियरली बेसिक होते हैं, लेकिन ये फोर्स एक दूसरे के लीनियर डायरेक्शन के पैरेलल है, इसको बोलते हैं लीनियर फोर्स सिस्टम आर वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। देखो बुक से बहुत ऊपर मैं पढ़ाता हूं, बुक में ये क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, बट आपको जानना है कुछ नहीं, इजी है। अब जरा आप ये बताओ कि मैं पूछूं कि F1 और F2 कैसे फोर्स हैं? लीनियर फोर्स हैं। अब पैरेलल फोर्स मैं बोल सकता हूं क्या? ही नहीं, क्यों? क्या F1 F2 के पैरेलल नहीं है? पैरेलल है, प्लस सेम पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं। देखो ए से ही पास आउट हो रहे हैं दोनों ना, ये पॉइंट ए है मान लो, तो आप इसको क्या बोलोगे? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर सिस्टम फोर्सेस। कोलिनियर का मतलब समझ रहे हो ना? सेम या कॉमन लाइन है, ठीक है? को का मतलब होता है कॉमन, लिनियर का मतलब होता है लाइन में लगने वाले फोर्स सिस्टम को, कोलिनियर फोर्स सिस्टम।
ठीक है, ये हो गया। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल। इसका एग्जांपल वही है कि F1 और F2 इस फिगर में कोलिनियर फोर्स सिस्टम है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सिस्टम ऑफ फोर्स उसने बना के दे दिया था, फिर उसके बाद बताया था, पूछा था F1 और F2 क्या है, कोलिनियर है, कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है, कैसे फोर्स सिस्टम है, ये उसमें बताना था। ठीक है, अब जरा आ जाओ कि मैं पूछूं कि F1 और F3 इन दोनों को देखो, ये कौन से सिस्टम है? लीनियर तो है, सही है, लेकिन ये क्या है, कोलिनियर है, तो इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, या फिर ध्यान दो, या फिर इसको बोलेंगे पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल तो है कि नहीं है, इसको बोलेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्लियर है? अब देखो जो नई चीज मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में, वो ये है कि आपने अभी पढ़ा है कि पैरेलल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैरेलल फोर्स सिस्टम FPFS, इसके भी दो टाइप होते हैं। अभी मैंने आपको एक बताया था कि एक डायरेक्शन ये थी और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको मैंने बोल दिया लाइक पैरेलल। ये देखो एक सेम डायरेक्शन है ना, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और पैरेलल भी है। ये क्या है, पैरेलल भी है और इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। ध्यान देना मेरी बात को, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, यही डिफिनेशन है। इसको अपनी भाषा में, हिंदी में लिखना होगा, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस दैट देयर लाइन लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सेम इन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम है, देखो इधर इधर है ना, तो इसको बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब जो नेक्स्ट टाइप होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेकेंड, वो होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। मतलब इसमें क्या होगा, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसमें क्या होगा कि दो फोर्स लगने वाले जो हैं वो तो पैरेलल तो हैं बट उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। पहला चीज आपको बताया वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में लेनियर फोर्स सिस्टम होता है, या इसको वन डायमेंशनल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। इसमें एक कोलिनियर होता है और दूसरा नॉन कोलिनियर होता है। नॉन कोलिनियर में पैरेलल फोर्स सिस्टम आता है। इस पैरेलल फोर्स सिस्टम के दो टाइप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, लाइक एंड अलाइक, अनलाइक, नॉन लाइक या अलाइक, जो भी बोलो ये नाम है इसके। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है 2D फोर्स सिस्टम। देखो एक चार्ट से मैं तुम्हें सब चीजें बता दूंगा, कोई भी फोर्स सिस्टम मतलब बचेगा ही नहीं। तुम अपने बुक से एग्जांपल जाके देख लेना, फिजिकल लाइफ में एग्जांपल देख लेना कि कौन सा फोर्स सिस्टम। अगर ये बताओ एक छत है तुम्हारी, एक कंबाइंड छत है कई कमरों की है ना, उन कमरों में जगह जगह पर फैन लगे हुए हैं, तो ये जितने भी फैन है ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्लैब पर, कंफर्म। तो इन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को मैं कौन सा फोर्स सिस्टम बोलूंगा, बताओ कौन बताएगा। पैरेलल फोर्स सिस्टम, लेकिन इस पैरेलल फोर्स सिस्टम में कौन सा है, अलाइक है या फिर अनलाइक है? ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम होगा। अब ये बताओ क्या 2D है या 3D है, देखो कौन बताता है, ये सिस्टम 2D है या 3D है या 1D है? हाँ ये 3D है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक कमरे की फैन की एक्शन ऑफ लाइन क्या है, कुछ अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, तो इन सभी कमरों के फैन की एक्शन लाइन को आप जब मीट कराओगे, मिलाओगे, तो ये सिंगल प्लेन से पास आउट नहीं होंगी, ये नंबर्स ऑफ प्लेन बनाएंगे, कई प्लेन बनाएंगे है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 3D प्लेन सिस्टम, पैरेलल सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ 2D सिस्टम में। अब किसमें, 2D में बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं, टूडी फोर्स सिस्टम। अब ध्यान देना कि
इसमें जितने भी फोर्स काम करेंगे वो सिंगल प्लेन में काम करेंगे, है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये बताओ, कोई एक बीम है, ये क्या है? एक कोई बीम है और ये क्या है? कॉलम है। ध्यान देना मेरी बात को, मैं जितना पूछूंगा उतना बताना पहले, फिर बाद में आगे जाना। ये क्या है? कॉलम है। इस बीम पर ऊपर आपने वॉल की मेसनिंग की है, मतलब दीवार की चिनाई की हुई है। इस दीवार का जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये लगने वाला जो फोर्स है, ये पैरेलल फोर्स तो है, कंफर्म है। अब ये क्या वन डायमेंशनल फोर्स है या थ्री डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है, कैसा फोर्स है, कौन बताएगा? टू डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन, ये जो है बीम को, सेंटर को, सीजी को कंसिडर करते हुए जो वर्टिकल प्लेन है इसी में ये फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको मैं बोलूंगा 2D फोर्स सिस्टम। कौन सा? 2D फोर्स सिस्टम। और एग्जांपल इसके कुछ बताओ। अब सुनो नेक्स्ट, कि अगर कोई कॉलम है, ध्यान देना ये क्या है? कॉलम है। इस कॉलम पर बीम सपोर्टेड है, इस बीम के एज से इस कॉलम पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अब ये बताओ ये कौन सा फोर्स है? सिंगल फोर्स है ना, सिंगल फोर्स है। बट ये मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे, ये बताओ फोर्स कैसा है, लीनियर फोर्स है या फिर पॉइंट फोर्स है? ये पॉइंट फोर्स है ना, देखो सिंगल फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे लग रहा है, ये पॉइंट फोर्स है। कैसा है? पॉइंट फोर्स है। तो मतलब 2D फोर्स सिस्टम का एग्जांपल मैंने दिया है कि वो फोर्स या सिस्टम ऑफ दैट टाइप ऑफ फोर्सेस विच लाइन ऑफ एक्शन आर इन कॉमन प्लेन, एक सिंगल प्लेन में जिसकी पूरी डायरेक्शंस हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? 2D फोर्स सिस्टम। क्लियर है? मतलब लाइन ऑफ एक्शन आर इन कॉमन प्लेन, इसका एग्जांपल मैंने, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसका मैंने दे दिया है। क्लियर है? बिना किसी बुक के इजिली मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए थ्री डायमेंशनल एग्जांपल या रियल एग्जांपल के साथ पढ़ा रहा हूं, कभी कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट चीज है, अब जरा ध्यान दो कि ये कोई बॉडी थी। अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ, जो जानना चाह रहा हूँ उस पर आना तुम लोग। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1, ये क्या है? F1 है। एक दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है F2, और ये दोनों फोर्स एक सिंगल लाइन पर, यहाँ एक सिंगल पॉइंट पर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा फोर्स ये लग रहा है, ये भी इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। ये चौथा फोर्स ये लग रहा है इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये सिंगल पॉइंट पर मीटेड फोर्स सिस्टम है ना, F2, F3 एंड F4। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉनकरेंट कंडीशन में, कॉनकरेंट का मतलब जो एक सिंगल पॉइंट पर जिनकी सभी लाइन ऑफ डायरेक्शन मीट करती है, उसको बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। कैसा है? कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम। और प्लस ये कैसा हो सकता है, 2D नेचर या 3D नेचर का भी हो सकता है, 2D या 3D। तो ये बताओ इसमें क्या है? ये 2D है ना, तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? टू डायमेंशनल कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। टू डायमेंशनल कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और ये क्या है? 3D, थ्री डायमेंशनल कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। अब सुनो एग्जांपल। अब मेरे पास कोई क्यूब था ऐसे, ये क्या है? क्यूब है। इस क्यूब पे एक फोर्स मैंने इधर से लगाया, एक फोर्स मैंने इधर से लगाया, एक फोर्स मैंने जेड डायरेक्शन के अलोंग ऐसे लगाया, दूसरा फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, जितने भी फोर्स है सब फोर्स मैंने इस पे लगा दिया। अब ये बताओ कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये फोर्स सिस्टम कौन सा होगा? ये सिंगल पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ये फोर्स सिस्टम क्या है? बिल्कुल, थ्री डायमेंशनल कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर? तो दोनों के मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, ये 2D का एग्जांपल है और ये 3D का एग्जांपल। अब आ जाइए,
अब और कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, फोर्स सिस्टम्स और कौन कौन से होते हैं, ये तो कॉन्करेंट हो गया। अब मैं नेक्स्ट बताना चाहता हूँ नॉन कॉन्करेंट, क्या नाम से क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, पता चल गया होगा कि हाँ क्या है, ऐसे पढ़ा जाता है नॉन कॉन्करेंट। मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या होंगी, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे या नहीं मीट करेंगे। इसका एग्जांपल ये है कि आपके पास एक कोई बॉडी ये है, एक फोर्स ऐसे लग रहा था और दूसरा फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, ये बताओ इसको आपने ऐसे बढ़ाया और इसको आपने ऐसे बढ़ाया, ये एक दूसरे से यहाँ पे तो मीट कर गए, लेकिन तीसरा जो फोर्स मिल रहा है वो ऐसे लगा दिया मैंने, ये बताओ क्या ये एक कॉमन पॉइंट इस पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन करेंट फोर्स, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब बताइए ये क्या है, सिंगल प्लेन में है, जैसे कि इस टाइम मेरे मोबाइल प्लेन में है ना, तो इसको मैं बोलूंगा 2D नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद अब जरा आ जाओ 3D में, आ जाओ 3D में, बीम पे एक कॉलम अब देखो, सबसे अच्छा है स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले लो, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ले लो, कॉलम पे फोर्स लग रहे हैं, कॉलम की सेंटर लाइन के अलोंग है ना, बीम पे लग रहे हैं, स्लैब पे फोर्स लग रहे हैं, तो ये सारे फोर्स जो है एक किसी कॉमन पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, कि है ऐसा सिस्टम कि सब जाके कॉलम के किसी एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं, नहीं ना। तो वॉल पे लगने वाला फोर्स अलग है, कॉलम पर लगने वाला अलग है, बीम पर अलग है और स्लैब पर अलग है, तो ये सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है ये 3D कंडीशन में है, प्लस एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट 3D फोर्स सिस्टम, कंफर्म नॉन कॉन्करेंट। अब देखो क्या है इजी, ये आपके पास ऐसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये इसके कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये बीम है, ये बीम है, और ये क्या है उसकी स्लैब है। अब इस पे आप जाके खड़े हो गए, अब तुम्हें अच्छे से तुम्हें खड़ा नहीं कर पाऊंगा, पेन ही ऐसी है, लेकिन खैर खड़ा हो जाओगे, ठीक है, ये तुम खड़े हो गए, यहाँ पे तुम्हारा मेज रखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा मेज है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और तुम्हारे ये तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन ये है, कॉलम पर ये फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब हो सकता है कि तुम इसी पर कोई ट्रॉली बैग है तुम्हारे पास, इस ट्रॉली बैग को तुम स्लाइड करा रहे हो ऐसे, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो टेंजेंशियल नेचर का फोर्स होगा, ये ऐसे है ना। तो ये सारे फोर्स ऑफ सिस्टम क्या है, एक सिंगल प्लेन में भी नहीं है, 3D में है, और प्लस एक कॉमन पॉइंट से नहीं पास हो रहे हैं, ये देखो ये तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स थी, ये भी है, क्या ये कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो इसको मैंने बोला था 3D नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो आज की जो क्लास मैंने आपको बताई है, ये बेसिकली जितने टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम होते हैं सबको मैंने डील कर दिया है, कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ मैंने एक काम नहीं किया है, वो ये है कि जैसे होता नहीं है कि लोगों को समझा देने के बाद डेफिनेशन लिखानी पड़ती है, लो ये डेफिनेशन है इसको लिखो तुम, पर अब हर एक बच्चा डेफिनेशन लिख सकता है, क्लियर है, कंफर्म है यहां तक या नहीं, किसी कोई समस्या। अब एक काम करते हैं, 4 मिनट टाइम हमारे पास है, तो मैं सभी बच्चों का एक रिकैप ले लेता हूँ कि ये बताओ क्या तुम्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, चलो रिप्लाई करेंगे सब एक तरफ से। देवेंद्र वर्मा, हेलो देवेंद्र वर्मा, ये बताइए ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस क्या है। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सुमित कुमार, ये बताओ ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ फोर्स क्या है। बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है, तो इसी को अपनी भाषा में आप लिख दोगे, होगी डेफिनेशन। स्वप्निल वर्मा, स्वप्निल स्वप्निल वर्मा रिप्लाई करो फटाक से, स्वप्निल चलो खैर आगे चलते हैं। मृदुल राय, महेश कुमार, महेश कुमार, महेश
रिप्लाई करिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। मैस अपनी माइक ऑन करो, इलास्टिसिटी क्या है? महेश रिप्लाई करो, इलास्टिसिटी क्या है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, फिर ये तो आवाज आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम की आवाज आ रही है, और बाकी क्यों नहीं आ रही है? तुमने ट्राई नहीं किया कुछ? ये आंसी नाम से कौन है? आंसी तुम बताओ क्या होता है इलास्टिसिटी? बिल्कुल। अब ये बताइए कितने टाइप की होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन से? बिल्कुल। अब नेक्स्ट आशुतोष जायसवाल। आशुतोष आप बताइए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? आशुतोष आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो खैर अभी आप रुक जाओ। सुमंत निषाद, सुमंत आप बताइए क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? उसको हिंदी में बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बिल्कुल बिल्कुल सही है। खैर अब हिंदी में जो नॉलेज है उसको रखो, प्लस इंग्लिश आनी कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनता है जीई का वो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर परफेक्ट बनता है, और हिंदी में जो रहता है उसमें कुछ ना कुछ इरर होती है, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा है। विशाल कुमार, विशाल अब बताइए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी विशाल। चलो वसीम बसार, वसीम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताओ। सीयर स्ट्रेस डिवाइड बाय सीवियर स्ट्रेन, इसकी यूनिट बताओ। यूनिट क्लियर। दूसरा नाम क्या है इसको, और किस नाम से जानते हैं? मेगा पास्कल। साक्षी मौर्या तुम बताओ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? साक्षी हेलो, साक्षी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? ये सब लगता है फोन ऑन करके चले गए कहीं। सर्जन त्रिपाठी, सर्जन हेलो। हाँ सृजन तुम बताओ कि क्या होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? डेल्टा वी बाई वी, सिग्मा अपन डेल्टा वी अपन वी। अब इसको आप ऐसे अगर मान लो आपको ओरली डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? ये होता है नॉर्मल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही तो होता है ना, बस यही तो बताना है आपको। अब आ जाइए, बिल्कुल वही है। ठीक है, नहीं प्रतिबल तथा विकृति का, देखो अविलंब प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं हिंदी में जानबूझ के नहीं बताता हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ कि तुम लोग पक्का है कि हिंदी में बता दूंगा, हिंदी में रट लोगे लेकिन पेपर आएगा इंग्लिश में। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है बट लेकिन कंपटीशन का पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंग्लिश के पेपर को, इसलिए मैं देखो जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो भी रहेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मैंने ज्यादातर इंग्लिश यूज की, आता तो मुझे हिंदी में भी क्योंकि मैंने डिप्लोमा हिंदी में ही किया, मुझे याद है वो सारी चीजें मैं वो पढ़ाऊँ।
खैर उसे मतलब नहीं है, लेकिन आप फोकस यही किया करो कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं सब इंग्लिश में हो, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, विंध्य प्रसाद। विंध्य प्रसाद इन्होंने भी वही काम किया है, मोबाइल ऑन करके चले गए होंगे कहीं घूमने फिरने। चलो ठीक है, खैर ऑनलाइन में तो सब चल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन जब क्लास लूंगा तब फिर देखते हैं कैसे जाते हो तुम लोग। भरत द्विवेदी, भरत द्विवेदी। अब बताइए सिस्टम क्या होता है, फोर्थ सिस्टम, व्हाट इज फोर्थ सिस्टम? फोर्थ सिस्टम क्या होते हैं? भरत फोर्थ सिस्टम क्या है? फोर्थ सिस्टम क्या है? ठीक है, क्यों बीमार हो क्या तुम? लग रहा है आवाज से कुछ। ठीक है रेस्ट करो, क्लास वैसे ही देख लिया करो, कोई वो नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन देख लो या ऑनलाइन भी रहोगे कोई समस्या है नहीं। क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम है? ठीक है फिर, विवेक, 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 मृदुल राय, नेक्स्ट, मृदुल राय। ये बताइए कि कितने टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन? विवेक सक्सेना, विवेक सक्सेना, क्यों सुन रहे हो मुझे या नहीं? आवाज नहीं आ रही है, मृदुल राय ट्राई कर रही है बट आवाज नहीं आ रही है उसकी। उपासना, इसकी भी आवाज नहीं आ रही, उपासना श्रीवास्तव। ठीक है कोई बात नहीं, साउंड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट देखते हैं, बाद में रिपीट करेंगे। स्वप्निल वर्मा, हेलो। हाँ स्वप्निल तुम्हारी आवाज आ रही है। ये बताओ कि कितने टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन? अब वन डायमेंशनल में कौन कौन से टाइप होते हैं? कौन कौन से? बिल्कुल गुड। अब पवन यादव, पवन क्यों सुन रहे हो मुझे या नहीं? विवेक सक्सेना गायब हो गए लगता है, सारे बच्चों से क्वेरीज मैंने ले लिया है। ठीक है ठीक है, पढ़ते रहो, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे अगला टॉपिक तुम लोग पढ़ के आना, और कोई बच्चा एक काम करेगा, मुझे जो है डिप्लोमा का सिलेबस जो आगे होता है ना, बुक के पीडीएफ, बुक के आगे जो 2-3 पेज का सिलेबस होता है मेरे पास, तो वैसे बीटेक की बुक है तो वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी, तो डिप्लोमा का सिलेबस जो है उसका फोटो खींच के भेज देना मुझे, मैं उस हिसाब से तुम लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो खासकर मैं डील करूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।